बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम नंबर 9 और 10, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट चैप्टर है 15 और आई कॉम पार्ट 1 से, और बुक है सुहेल अफजल। आइए हम प्रॉब्लम नंबर 9 को देखते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन है जी, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। ये जो कुछ एरर्स हैं इसको आपने रेक्टिफाई करना है। जब हम रेक्टिफाई ऐसे करते हैं तो उसके हमें जर्नल एंट्री पास करनी होती है, रेक्टिफाइंग वाली। आइए शुरू करते हैं। पहला ए का जो पॉइंट है वो यहाँ पे कहते हैं, ₹8,000 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेसेस। शोकेसेस बनाने के लिए वेजेस पे की गई हैं, जबकि शोकेसेस जो होते हैं वो आपका एक तरह का फर्नीचर है। तो इसका मतलब है कि इसी के अकाउंट को होना था, क्योंकि मेकिंग आया है। मेकिंग का मतलब है उनको बनाया गया है। तो जब कोई एसेट बनता है उस पर जितना खर्चा होता है उसका नाम नहीं आता, क्योंकि वो रियल अकाउंट है। नॉमिनल थोड़ी है कि हम उसको नॉमिनल में ले जाएंगे, तो रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट अपने नाम से आएगा। मीन के शो केसेस को होना था डेबिट, ना कि वेजेस को। हालांकि वेजेस हैं लेकिन ये एसेट पर हैं। तो जब एसेट नया आता है उस पर बनता है तो ये कैपिटल नेचर के होते हैं, कैपिटलाइज्ड होंगे। तो इसका मतलब है शो केसेस ने डेबिट होना था। एंट्री बननी थी शो केसेस टू कैश, क्योंकि पेड हुए हैं। ठीक है, तो मतलब कैश को अकाउंट को क्रेडिट होना था और शो केस के अकाउंट को डेबिट होना था। आप चेक करते हैं हुआ क्या। Had been charged to wages account. वो wages के account को charge कर दी गई है। हालांकि charge करनी किसको थी, showcase के account को, और charge हुई किसको, wages के account को। समझ लगी अब हमने क्या करना है। Wages को charge नहीं होनी थी जो कि हुई, मतलब wages को debit नहीं होना था जो कि हुआ। अब इस debit को खत्म करेंगे, wages को हम करेंगे credit, और showcase जिसको debit होना था जो नहीं हुआ उसे हम करेंगे debit। तो rectifying entry बन जाएगी showcase account to wages account। तो एक आ जाएगा शो केस अकाउंट टू वेजेस अकाउंट, 8,000 बीइंग एरर ऑफ प्रिंसिपल इन वेजेस नाउ रेक्टिफाइड। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है कि जब हम कैपिटल नेचर के आइटम को रेवेन्यू या रेवेन्यू आइटम को हम कैपिटल ट्रीट करते हैं, इसे कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल था वेजेस के अंदर जो कि हमने रेक्टिफाई कर दिया। ये क्या पहला। उसके बाद दूसरा है, अ सेल ऑफ ₹18,000, सेल हमने 18,000 की हैज बीन पास्ड थ्रू परचेज बुक। की हमने सेल है और ले हम किस में गए हैं, परचेज बुक में। अच्छा, अगर तो यहीं तक रोक देता ना तो काम कुछ और था, लेकिन आगे वो कहता है द कस्टमर्स अकाउंट हाउ एवर बीन करेक्टली डेबिटेड। कि कस्टमर का अकाउंट बिल्कुल ठीक डेबिट हुआ है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मीन्स के कस्टमर का अकाउंट जो भी था उसके अंदर जो भी कस्टमर है, सपोज कर लेते हैं कि कस्टमर का नाम ए है। अब हमने देखें किया क्या है, सेल की है। तो अब सोचो जरा, अगर हमने ए को सेल की है तो हमने एंट्री क्या करनी थी सेल बुक में, ए अकाउंट टू सेल अकाउंट, ये होनी थी ना, ए अकाउंट टू सेल अकाउंट। जब हम उसको परचेज बुक में ले जाएंगे तो फिर तो एंट्री ही हुई होगी ना, परचेज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट टू ए अकाउंट, टू ए अकाउंट। मतलब ए बजाय डेबिट होने के ए क्रेडिट हो जाता, ऐसे ही है जिसको वो कस्टमर यहां पे कह रहा है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन को यहां रोक देता तो फिर तो इसने इसी तरह रेक्टिफाई होना था। लेकिन वो कह रहा है कस्टमर्स अकाउंट हाउ एवर बीन करेक्टली डेबिटेड, कि जो कस्टमर का अकाउंट है बिल्कुल ठीक डेबिट हुआ। मतलब जो कस्टमर अगर ए है तो वो डेबिट ही होना था, क्योंकि सेल में डेबिट हो रहा है वो डेबिट। इसका मतलब उसका जो ए है, या आप कस्टमर कह लें, उसकी गलती नहीं है। अब उसको बीच में से निकाल दें, पीछे बच गए सिर्फ सेल अकाउंट और परचेज अकाउंट सिर्फ। इसका मतलब इन दोनों की गलती है। अब देखो, सेल ने होना था क्रेडिट, वो नहीं हुई क्योंकि वो परचेज बुक में गया है, और परचेज ने डेबिट नहीं होना था और वो डेबिट हुआ। अब हम क्या करें, परचेज जो कि डेबिट है, जो कि नहीं होना था उसको हम खत्म करेंगे। तो डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो परचेज को हम करेंगे क्रेडिट। रेक्टिफाइंग एंट्री में हम परचेज को क्रेडिट करेंगे, और सेल ने क्रेडिट होना था जो कि नहीं हुआ हुआ उसे हम क्रेडिट करेंगे। मतलब परचेज भी क्रेडिट, सेल भी क्रेडिट, तो डेबिट पे कौन है, फर्क आ गया। इसका मतलब है वहां पर आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री बनेगी, अब लाजम मतलब क्रेडिट का टोटल डेबिट के टोटल के इक्वल होता है, तो 18,000 दो है क्रेडिट साइड पे, तो डेबिट साइड पे फिर इसका डबल आ जाएगा, यानी ₹36,000 सस्पेंस। फर्क इतना ही आया होगा ना कि शॉर्ट उस वक्त जब ये एरर हुआ होगा उस वक्त क्रेडिट साइड शॉर्ट हो गई होगी पूरे ₹36,000 से, जो कि अब हम रेक्टिफाई कर देंगे। तो उसको हम उस वक्त हमने उसको सस्पेंस को क्रेडिट किया होगा, अब हम उसको खत्म कर रहे हैं तो सस्पेंस को हम डेबिट कर देंगे। एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट टू सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट या परचेज अकाउंट सेल अकाउंट। तो इसको देख लेते हैं जी, ये यहाँ पर है सस्पेंस अकाउंट टू परचेज अकाउंट सेल अकाउंट, 18,000 डेबिट का टोटल 36,000 बन जाएगा। बीइंग रॉन्ग पोस्टिंग टू द परचेजेस इनस्टेड ऑफ द सेल्स नाउ रेक्टिफाइड।
और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. वो कहते हैं अ सेल ऑफ रुपीज 4,500 टू कबीर ब्रॉस वॉज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट. अब देखो सेल किया हमने कबीर ब्रॉस को, अब एंट्री क्या होनी थी कबीर ब्रॉस टू सेल अकाउंट, मतलब कबीर ब्रॉस ने डेबिट होना था और सेल ने क्रेडिट होना था. अब वो कहता है वॉज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट कबीर ब्रॉस, होना उसने क्या था डेबिट और हुआ क्या क्रेडिट, साइड चेंज होगी और जब भी साइड चेंज होती है तो डबल अमाउंट से आता है. अब चूंकि डेबिट होना था नहीं हुआ, अब हम डेबिट तो करेंगे कबीर ब्रॉस को, लेकिन 4,500 जमा 4,500 9,000 से कबीर ब्रॉस को हम करेंगे डेबिट और क्रेडिट पे चूंकि कोई नहीं है, एक अकाउंट है, वन साइडेड एरर है, तो इसका मतलब सस्पेंस आ जाएगा. तो एंट्री बनेगी कबीर ब्रॉस टू सस्पेंस अकाउंट और रकम आएगी 9,000, कबीर ब्रॉस अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट और ये रकम आ जाएगी 9,000. और बीइंग द रॉन्ग क्रेडिट इंस्टेड ऑफ डेबिट टू द कबीर ब्रॉस नाउ रेक्टिफाइड. लें जी अब नेक्स्ट चलते हैं हम, और वो है डी पॉइंट. कहते हैं रुपीज 30,000 पेड टू द परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर अ पार्टनर. इसमें लफ्स ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रोप्राइटर आ जाता, पार्टनर आ जाता, ऑनर आ जाता, एक ही बात थी. पार्टनर भी एक तरह का मालिक है बिजनेस का, उसके लिए मोटरसाइकिल खरीदा गया है. वो कहता हैज बीन चार्ज टू द मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट. उसने किस एक्सपेंस को चार्ज कर दिया, मिसलिनियस. मिसलिनियस को एक्सपेंस को तो चार्ज ही नहीं होना था, ये तो गलत डेबिट हो गया, इसको तो हम करेंगे क्रेडिट्स ताकि ये तो खत्म हो. सब सोचोगे डेबिट हो, असल में होना किसने था. यहाँ पे देखें, अब अक्सर गलती हम करते हैं, बाद हम रेक्टिफाई करते वक्त भी गलत कर देते हैं. हम सोचते हैं अच्छा मोटरसाइकिल खरीदा, मोटरसाइकिल तो एसेट है तो एसेट को डेबिट होना, नहीं एसेट को नहीं होना है डेबिट, क्योंकि ये पार्टनर के लिए खरीदा है. तो जब पार्टनर के लिए खरीदा है तो ड्रॉइंग आएगा, क्योंकि ये बिजनेस का थोड़ी एसेट है, ये तो मालिक का है. तो मालिक जब भी अपने जाती इस्तेमाल के लिए चाहे कोई भी एसेट भी खरीद ले तो हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, हम मालिक का अकाउंट डेबिट करेंगे और वो होता है ड्रॉइंग अकाउंट. एंट्री बननी थी ड्रॉइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम बिजनेस से कैश पे हुआ है, 30,000 पे किया है, तो अब यहाँ पे ड्रॉइंग ने डेबिट होना था. लेकिन वो कहता है चार्ज टू द मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट, मतलब ड्राइंग को डेबिट उसने नहीं किया, उसने किसको कर दिया, मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट को. अब हम क्या करें, ड्राइंग को करें डेबिट और ये जो डेबिट हुआ है इसको हम कर दें क्रेडिट, मतलब रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट टू मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट. आ जाएगी ड्राइंग अकाउंट टू मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट 30,000 बीइंग द रॉन्ग डेबिट टू द मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड. तो ये समय लग गई होगी. और ड्राइंग हम क्यों लेके आ रहे हैं और मोटरसाइकिल को क्यों नहीं लिखा, यानी एसेट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर बिजनेस ने खरीदा होता तो मोटरसाइकिल डेबिट होता, ये जो कि पार्टनर के लिए लिया गया है तो ड्राइंग आएगा. तो ये बात आपने यहाँ पे समझ लेनी. आखिरी पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से समझ लेना है कि ये क्या है, क्योंकि ट्रिकी थोड़ा सा है, लेकिन आप देखते हैं इसको क्या करते हैं इसके अंदर. देखो वो कहते हैं आप परचेज ऑफ रुपीज 696 हैड बीन डेबिटेड टू द सप्लायर अकाउंट एज 632 द सप्लायर वॉज सर्वर. सप्लायर जो है वो यहां पर सर्वर है. देखें परचेज की गई है और एंट्री होनी थी परचेज अकाउंट टू सप्लायर अकाउंट, चले नाम है तो हम नाम यूज करेंगे. एंट्री होनी थी परचेज अकाउंट टू सर्वर अकाउंट, मीन्स के परचेज ने डेबिट होना था कितने से, 696 से, और सप्लायर ने जो कि एक सर्वर है उसने क्रेडिट होना था 696 से. यहां पे गलती उसने कही हैड बीन डेबिटेड टू द सप्लायर अकाउंट, के बजाय हम सप्लायर का अकाउंट यानी सर्वर को हम क्रेडिट करते, एक तो गलती हुई है उसको डेबिट कर दी है, हालांकि करना क्या था क्रेडिट. अच्छा दूसरा खाली यही नहीं रुका कि खाली साइड चेंज होती है डबल अमाउंट से हम कर देते, उसने किया उसको क्या है डेबिट किया, लेकिन इतने से नहीं किया, उसने कम से डेबिट किया है. उसने कितने से डेबिट किया है, 632 से, जो कि डेबिट नहीं होना था इतनी रकम से. अच्छा चलो पहले हम ये करते हैं कि इसको हमें ख़त्म करना है कि नहीं करना, क्योंकि गलत डेबिट हुआ है कितने से, 632 रुपए से, इसे ख़त्म करना है ना. इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट. हम एक यूँ समझ लेते हैं, सिंपल कर देते हैं कि हम इसको कर देंगे यहाँ पर क्रेडिट, ठीक है, ताकि डेबिट खत्म हो. 632 से हम एक बार सर्वर को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, सस्पेंस को हम डेबिट कर देते हैं. इससे क्या होगा, खाली इफेक्ट कैंसिल होगा ना उसका, लेकिन अभी उसको रिकॉर्ड भी तो करना है, मजीद भी उसको रिकॉर्ड करना है ना. तो खाली ये नहीं बनेगी, हम खाली सर्वर के अकाउंट को 632 से अगर हम क्रेडिट कर देते हैं तो वो जो गलत डेबिट हुआ है वो आ जाएगा जीरो पर. हमें उसको रिकॉर्ड भी तो करना है मजीद क्रेडिट, कितने से, 696 से, तो मतलब ये भी क्रेडिट होगा
और इतने से मजीद उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये क्रेडिट इसलिए करेंगे कि उसको रिकॉर्ड करना है, और ये उसको क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि ये गलत डेबिट हुआ हुआ है। तो इसका मतलब ये भी क्रेडिट और ये भी क्रेडिट, दोनों क्रेडिट है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। ये बात बिल्कुल वही है जिसे हम कहते थे डबल अमाउंट से, लेकिन अगर वो इतने से करता तो हम दोनों को ऐड कर लेते, लेकिन उसने कम से किया है तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। वहां हम डबल में करते थे 696 + 9 696 डबल, लेकिन यहाँ पे उसने 696 नहीं किया ना, इसलिए हम इसको डबल नहीं कहेंगे। लेकिन बात वही हो रही है कि वहीं पे वहाँ पे भी ऐड होती थी दोनों वैल्यूज, यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज हैं तो ऐड हो जाएंगी। तो अगर हम ऐड करें तो जितना भी बनेगा 1300 कुछ बनेगी रकम। तो अब इसके अंदर अगर हम देखें तो उतने से इसने क्या हो जाना है, सर्वर ने क्रेडिट हो जाना है क्योंकि गलत डेबिट हुआ हुआ है। और चूंकि एक ही अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट आएगा, एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट टू सर्वर अकाउंट। तो ये जी सस्पेंस अकाउंट टू सर्वर अकाउंट, और ये 1328 होता है, दोनों को ऐड करके ये आ जाएगा। बीइंग रॉन्ग डेबिट ऑफ 632 इंस्टेड ऑफ मेकिंग क्रेडिट ऑफ ₹696 इन सर्वर अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ लगी होगी। तो फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में उसको पूछिएगा, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मैंने कन्वे कर दिया इसके अंदर जितना के इसके अंदर रिक्वायर्ड था। 10वीं प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं जी। इसमें वो बात कर रहा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। अब आपने माइंड में खुद से जैसे जैसे पढ़ता जाऊंगा आपने साथ साथ खुद से पिक करते चले जाना है ताकि इधर ये क्लियर हो जाए। देखें वो कहता है ₹840 एज डेबिट बैलेंस इन अमजद अकाउंट आर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स रिकॉर्डेड इन अमजद अकाउंट ओनली। सोचो जरा बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है, अमजद यहाँ पर हमारा डेटर है, एंट्री होनी थी बैड डेट्स अकाउंट टू अमजद अकाउंट, यानी अमजद का अकाउंट ने क्रेडिट होना था और बैड डेट्स के अकाउंट ने डेबिट होना था। वो कहता है सिर्फ अमजद के अकाउंट को रिकॉर्ड हुआ है, रिकॉर्डेड इन द अमजद अकाउंट ओनली, सिर्फ अमजद का अकाउंट, मतलब कि बैड डेट्स के अकाउंट को रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो क्या हो रहा है डेबिट, मतलब डेबिट नहीं हुआ, उसको हम डेबिट कर देंगे जो कि वन साइडेड एरर है, एक अकाउंट का एरर है, तो सस्पेंस तो आएगा ही। एंट्री क्या बनेगी, बैड डेट्स अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद ₹2000 पेड फॉर द कॉलेज फी ऑफ प्रोप्राइटर सन, प्रोप्राइटर का नाम आ गया ना, मतलब मालिक है। अब उसमें फी पे करे या वो कुछ भी करे, हमें उसके एक्सपेंस के साथ कोई गर्ज नहीं होती, हमें सिर्फ ये देखना है मालिक है जी। ऐसे ले गया अकाउंट को कोई गर्ज नहीं है कि आगे वो सिनेमा हॉल जाके मूवी देख ले, या वो ज्वेलरी सेट लेके दे दे बीवी को, या व्हाट्सएप कुछ भी कर दे, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। सिर्फ हमारी तरफ से क्या है, ड्रॉइंग नहीं, डेबिट होना, कैश हमारे पास है, चला जाना है। देखो जरा 2000 कॉलेज की फी पे की गई है मालिक के बच्चों की, ठीक है फी पे की गई, लेकिन मालिक एंट्री होनी थी ड्रॉइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो ड्रॉइंग ने डेबिट होना था, लेकिन वो कहता है कि वर चार्ज टू द ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। हालांकि चार्ज होना किसको था, ड्रॉइंग को, ड्रॉइंग ने डेबिट होना था लेकिन नहीं हुआ। अब हम क्या करें, ड्रॉइंग को करेंगे डेबिट और ये गलत डेबिट हुआ इसे हम क्रेडिट कर देंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी ड्रॉइंग अकाउंट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। एंड द नेक्स्ट वन इज बैड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम ₹500 फ्रॉम अर्शद वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। देखिए बैड डेट्स रिकवर्ड जब होते हैं, पिछले भी हमने प्रॉब्लम इसका डिटेल मैंने बताया हुआ है कि जब बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट होता है। यहाँ पे उसने किसको क्रेडिट कर दिया है, अर्शद अकाउंट को, जो कि नहीं होना था। अब हम क्या करें, अर्शद को हम कर दें डेबिट और बैड डेट्स रिकवर्ड को कर दें क्रेडिट ₹500 से। एंट्री क्या बन जाएगी, अर्शद अकाउंट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट ₹500। आर रिसीट ऑफ ₹3500 फ्रॉम सईद एंड कंपनी, रिसीविंग हुई है सईद एंड कंपनी से, तो कैश आया होगा, कैश डेबिट, और सईद एंड कंपनी हमारा लेटर था, कम हो गया होगा क्रेडिट। एंट्री सही तो होनी थी कि कैश ने डेबिट होना था और सईद एंड कंपनी ने क्रेडिट होना था, लेकिन ₹3500 से हुआ क्या, वॉज क्रेडिटेड, क्रेडिट तो हुआ देर अकाउंट, उनके ही अकाउंट को हुआ, लेकिन ₹5300 से ज्यादा क्रेडिट हो गया ना। तो अब जब ज्यादा क्रेडिट हो गया है तो अब हमें क्या करेंगे, कम करेंगे, तो क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। इसका मतलब है कितने से आप डेबिट करना, इतने से डेबिट कर दिया वो तो खत्म हो जाएगा ना उसमें से, फिर तो वो जीरो पे आ जाएगा। हमें जितना एक्स्ट्रा डेबिट क्रेडिट हुआ है उसे कम करना है। तो एक्स्ट्रा क्रेडिट कितना हुआ, कैसे पता चलेगा, इसमें से इसको माइनस कर दें, जो वो अमाउंट आएगी उतने से हम उसको डेबिट कर देंगे ताकि क्रेडिट कम हो जाए। तो एंट्री क्या बनेगी, सईद अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अब कितनी रकम आएगी, इन दोनों का डिफरेंस, यानी 5300 में से 3500 निकाल दो, जो भी आएगी रकम वो लिख देंगे। और आखिरी है सेल्स रिटर्न ऑफ ₹500 वर टेकन इनटू स्टॉक, सेल रिटर्न हुई है जी, चीजें स्टॉक में चली गई, यानी हमने अपने स्टोर में चीजें भिजवा दी हैं, बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन द बुक्स, एंट्री नहीं पास की, तो एंट्री पास कर दो,
अब सिंपल एंट्री पता होनी चाहिए। अब जब सेल रिटर्न होती है तो एंट्री क्या होती है, सेल रिटर्न अकाउंट, क्योंकि सेल में डेटर होते हैं तो डेटर कम हुए होंगे, एंट्री बनेगी सेल रिटर्न अकाउंट टू डेटर अकाउंट, क्योंकि नाम तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट टू डेटर अकाउंट, और कितने हैं 500, तो 500 लिख देंगे, सिंपल। ले ये थी वीडियो, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिखिए, और बाकी अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का शुक्रिया।